you lonely. Someone else out there feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. Watch what happens every time you do. Hey guys, welcome back to my channel Positivity की पुड़िया. So आ गई हूँ मैं आज आपके लिए एक नया vlog लेके. And this vlog is all about new collab with a new product. Yes. तो आज का जो प्रोडक्ट है मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके आप लोगों को बता देती हूँ कि वो प्रोडक्ट क्या है. दिस प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम जो ब्रांड है दैट इज़ बेला विटा. यस, बेला विटा का आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में देखा होगा. मैंने सी ग्लो ऑरेंज जेल जो वो दिखाया था एंड एक टिंटी दिखाया था जिसमें आप यू नो चीक्स लिप्स एंड आईलेट्स ये सब आप नरिश करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. तो अगेन विद द सेम ब्रांड मैंने कोलैब किया है. एंड जो प्रोडक्ट है वो बॉडी स्क्रब है एंड वो कॉफ़ी बॉडी स्क्रब है. सो फेस के लिए भी है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अभी दिखाई देती हूँ आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके. सो गाइस, आजकल जो है जितना पोल्यूशन है, गर्मी है, मतलब आपके स्किन टैन हो जाता है. दिल्ली में तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है तो आपका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है. तो कॉफ़ी जो होता है वो एक्चुअली में आपका जो टैन रिमूवल में बहुत हेल्प करता है. तो ये जो बेला विटा का प्रोडक्ट है कॉफ़ी वाला फेस एंड बॉडी स्क्रब, इसको आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हो. तो काफ़ी अच्छा है, मैंने यूज़ किया है, रिज़ल्ट मुझे मिलने लग गए हैं. तो ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पार्ट. सो हियर इज़ द प्रोडक्ट. तो गाइज, इसका हम सबसे पहले एक बार अभी अनबॉक्सिंग कर लिया है तो पैकेजिंग खोल के देख लेते हैं कि लुक वाइज कैसा है. मैंने मेरा जो लास्ट टाइम का मैंने आप लोगों को दिखाया ही था ऑरेंज वाला जो सी ग्लो जेल, उसका तो पैकेजिंग बहुत ही सुपर क्यूट था. ये भी बड़ा क्यूट सा बॉटल है, छोटा सा, ट्रैवल फ्रेंडली है. आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको स्क्रब ले जाना है तो उतने भारी भारी ट्यूब्स नहीं ले जाना आपको, तो आप ये वाला ले के जा सकते हैं. बहुत लाइट वेट है बिकॉज कॉफ़ी का इतना ज़्यादा वेट होता नहीं है, आप लोगों को भी पता है. तो बहुत ही लाइट वेट है, कुछ लग ही नहीं रहा कि इसके अंदर कुछ है. ये है बॉटल. तो इसका यूजेज जो है वो मैं बता लेती हूँ आपको. सबसे पहले तो इसको जब भी आप यूज़ करेंगे, इसको या तो आप किसी लाइक फेस वॉश के साथ या फिर बॉडी वॉश होता है बॉडी वॉश में, या फिर कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, बॉडी लोशन है, आप किसी लिक्विड फॉर्म में जो भी है बॉडी में अप्लाई करने के लिए, उसके साथ आप इसको यूज़ करके अच्छे से पाम में ही लेके आपको एक यू नो एक टेक्सचर तैयार करना है. थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, ड्राई नहीं, थोड़ा लिक्विडिश रहे, फ्लो रहे थोड़ा सा. एंड फिर उसको आप अप्लाई कर सकते हैं. बेसिकली ये अप्लाई कहाँ पे करना है, सी हमें जो होता है लाइक स्किन टैन हो रखता है या फिर कोई डार्क स्पॉट होता है, डार्क स्पॉट, हाइपर पिगमेंटेशन, ये सब कॉफ़ी जो होता है बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है. एंड दिस इज़ रियल आयुर्वेदा प्रोडक्ट. येस गाइज, दिस इज़ रियल आयुर्वेदा प्रोडक्ट. बेला विटा का जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 100% हर्बल, केमिकल फ्री, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री होता है. तो ये जो होता है ना, तो इसमें क्या करना है आपको, मेनली आप जो यूज़ करेंगे ना, ये आप अपने एल्बो में, नीज में, अपने आर्म्स में एंड नेक में, और लाइक और अंडर आर्म्स में, जहाँ पे जो आपका स्किन टोन होता है ना, वो स्किन टोन जहाँ पे थोड़ा डार्क होता है ना, डार्क शेड होता है थोड़ा, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं. एंड देन आप रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा. यस, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इसलिए कहती हूँ बिकॉज गाइस, मैं पर्सनली जो चीज़ मैंने यूज़ किया हुआ है ना, इसीलिए मैं उसके जो रिव्यूज़ मैं अच्छे से दे पाती हूँ. अगर मैंने कोई प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं किया एंड मैं आपको रिव्यूज़ दे दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का.
तो यस, ये कॉफी स्क्रब है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी इसका इंग्रेडिएंट मैं अगर आपको बताऊं तो ये कोकोनट ऑयल है, रॉक सॉल्ट है एंड आलमंड ऑयल है, मिनरल ऑयल्स जो है ओरिजिनल वो एडेड है एंड दो चार चीज़ें और हैं जो मैं पढ़ रही थी इसमें। कॉफ़ी तो है ही है और ये है यस कोल्ड प्रेस्ड एंड वॉलनट, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स से ये बने हुए हैं। एंड अगर आप इसको मैं खोलूँ भी ना, इस तरीके से एक छोटा सा होल सा है, वहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, मतलब आपको थोड़ा सा लेना है एंड हाथ में ज़्यादा जो फॉर्म रखना है वो बॉडी वॉश का या मॉइस्चराइज़र का रखना है एंड उसमें ये आपको पोर करना है। मेनली वो थोड़ा ना वो फील हो, जब आप कहीं पे भी आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, आपको क्या करना है कि आपको उस जगह को थोड़ा सा हल्का वेट करके आपको अप्लाई करना है एंड 2 मिनट तक एटलीस्ट सर्कुलर मोशन में आप उसको रब करिए उस जगह को। अगर आपको नीज में लगाना है तो सॉरी नीज के एल्बोज में लगाना है अगर आपको, तो एल्बोज में आप वो फॉर्म बना के फिर आप ऐसे ऐसे करके उसको घिसते रहिए बस लाइक दिस सर्कुलर मोशन में, ठीक है। फिर उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, 2 मिनट तक छोड़ दीजिए, ये नहीं कि आपने घिसा एंड उसके बाद आपने धो दिया, ऐसा नहीं करना है। बिकॉज उसको भी तो एब्जॉर्ब होने दीजिए, वो थोड़ा जब एब्जॉर्ब होगा ना वो चीज़, फिर उसको धोइए, तब रिजल्ट मिलता है आपको। एंड ये आप एटलीस्ट मिनिमम 15 डेज करके देखिए, 15 डेज बाद आप खुद अपना जो स्किन टोन है आप देख सकते हैं, जो शेड है आपका वो एक शेड लाइटर ही हो जाता है। तो यस गाइज, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, स्क्रब बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में ऐसे नहीं बोलूँगी कि नहीं वो स्क्रब अच्छा नहीं है, कुछ है, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। बट गाइज, मेरा जो चैनल है आप लोगों ने ऑब्जर्व किया ही होगा कि मैं ऑर्गेनिक एंड हर्बल ब्रांड्स को ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, बिकॉज मुझे ये लगता है कि वो ब्रांड्स काफ़ी सेफ होते हैं यूज़ करने में, कोई रिएक्शंस नहीं होते हैं, कोई किसी भी तरीके के एलर्जी नहीं होते हैं। एंड कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नोन नहीं है या पॉपुलर नहीं है, राइट। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उन ब्रांड्स को प्रमोट करने का ज़्यादा मेरा रहता है कि थोड़ा वेटेज रहता है कि लोगों को पता भी चले कि हाँ ऐसा भी ब्रांड है। ज़रूरी नहीं है कि बस जो टीवी में दिखाए या उन्हीं के ही प्रोडक्ट्स लें, काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे जब तक हम लेंगे नहीं, जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा। बाकी बताने के लिए तो मैं हूँ ना, मैं बता ही रही हूँ आप लोगों को, शेयर कर ही रही हूँ मैं इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, इसका जो भी डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को बता दूंगी, आप देख लीजिएगा। अमेजन में अवेलेबल है आई थिंक 210 या 219, कुछ मतलब 200 अबव कुछ है इसका प्राइस, तो आप लोग ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप लेके देखिए, ट्राई करिए। मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आप लोगों को दिखाती हूँ, ताकि अफोर्डेबल होते हैं, ताकि आप लोग परचेज करो। रिजल्ट नहीं मिलता तो ठीक है, बाकी तो मुझे इतना पता है कि मेरे को रिजल्ट मिला है तभी मैं आप लोगों को एडवाइस करती हूँ। तो गाइस, यस, दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट दिस कॉफ़ी स्क्रब एंड इसको आप फेस पे लगा सकते हैं, आप डेली यूज़ कर सकते हैं। आपको ये जो हेल्प करेगा, आपके स्किन को एक्सफोलिएट करेगा एंड आपके पिगमेंटेशन को लाइट करता है, डार्क स्पॉट्स रिमूव करता है एंड बेस्ट पार्ट इज टैनिंग हटाता है गाइस। एंड गर्मियों में यही इम्पॉर्टेंट है, टैन बहुत जल्दी हो जाता है, मेरा स्किन तो बहुत जल्दी टैन हो जाता है। तो कॉफ़ी सिर्फ पिए मत, कॉफ़ी का यूज़ भी करिए एंड ये 100% नेचुरल है, सो डोंट वरी गाइस, इसमें कोई केमिकल्स एडेड नहीं है। सो यस, थैंक यू सो 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 मच गाइस, लेकर आऊँगी मैं आपके लिए एक अगला व्लॉग। आई डोंट नो क्या व्लॉग होगा, बट जो भी व्लॉग होगा आई विल मेक श्योर कि अच्छा ही हो एंड ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ एंड आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। एंड गाइज, प्लीज़ जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा, प्लीज़ हिट करिएगा सो दैट आप लोगों को नोटिफाई हो जाए मेरे अगले व्लॉग का। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय।